आप पढ़ रहे हैं प्रोसेस अकाउंट चैप्टर, आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8th। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8th से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है। कहता है अ पार्टिकुलर ब्रांड और फिनाइल पासेस, फिनाइल बनता है थ्री प्रोसेस, फिनाइल बनता है जो तीन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है ड्यूरिंग द मंथ एंडेड 31st मार्च। मान लीजिए 600 बॉटल प्रोड्यूस होता है। आपके सामने इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। इन्फॉर्मेशंस में प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी दिया गया है। कहता है मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ बोतल, जहाँ पर फिनाइल बनेगा, जहाँ पर तेल बनेगा वहाँ पर बोतल भी लगेगा, लेकिन बोतल प्रोसेस बी में लगता है। कॉस्ट ऑफ कॉर्क्स, मतलब जो बोतल के ऊपर बोतल को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है ढक्कन, ना ढक्कन के अंदर भी एक सील होती है, वह प्रोसेस लास्ट में लगता है। कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस पीरियड में 1600 रुपया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर खर्च हुआ है। बाई प्रोडक्ट 240 रुपये का ए में है, इन बाई प्रोडक्ट ऑफ 240 रुपया बी में, 125 रुपया 50 पैसा सी में। के प्रिपेयर करना है आपको कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश प्रोड्यूस, ग्रॉस ऑफ बोतल। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखना है प्रोसेस ए अकाउंट, छोटा सा बना लीजिए, इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है। इसमें देखो कोई स्क्रैप वगैरह भी नहीं दिया है, स्क्रैप नहीं दिया है। इन्होंने कहा है 600 टन का काम इनका हो रहा है। आपको ध्यान देना है मटेरियल 4000 रुपये का, अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा मटेरियल जो दिया गया है 4000 रुपये का, ठीक है। तो मटेरियल कहाँ रहता है, डेबिट में 4000, लेबर दिया गया है 3000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है 600, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला है। पहले ही क्वेश्चन के माध्यम से मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बता दिया है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया है लेबर के रेशियो में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटा जाता है, लेबर 3000, बी में 2500, 2300, 20 से 20 काट दीजिए, 20 से 20 काट दीजिए, उसे कटेगा नहीं क्या है, अब 23 तो कटेगा ही नहीं ना, 23 नहीं कटेगा, तो 30/100 कुल मिला के आएगा 78, ठीक है कोई बात नहीं है। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल पैसा कितना है ये भी ध्यान देना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है गुणे 30/78, मैंने पहले बताया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इकट्ठा दिया रहे तो मजदूरी के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है 615 रुपया 38 पैसा, समझ में आओ भैया 615 रुपया 38 पैसा जोड़ लीजिएगा आपका आ जाएगा 8215 रुपया 38 पैसा, जोड़ लीजिएगा 8215 रुपया 38 पैसा लिखा जाएगा बाई ट्रांसफ़र टू
प्रोसेस बी अकाउंट 8215 रुपया 38 पैसा। कॉस्ट पर टन अगर आपको निकालना है 8215 रुपया 38 पैसा भागे 6 रुपया 600, आपका हो जाएगा 13.691 टन का मूल्य आपका आ जाएगा। एक टन का नहीं है, इसमें टन नहीं लिखना है, बोतल का, बोतल है, फिनाइल बन रहा है, बोतल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आपको अब करना है प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस टन वगैरह नहीं बनाना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल अमाउंट वाला बनाना है। प्रोसेस ए से हम लोग ट्रांसफ़र करके ला रहे हैं, लिखा जाएगा टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट 8215 रुपया 38 पैसा। उसके बाद आपको ध्यान देना है मटेरियल इन्होंने खर्च किया है 2000 रुपये का, बेजे जिन्होंने खर्च किया है 2500 रुपये का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 200 रुपये का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे 1600, कितना था 25/78 ना बताया था मैंने, 25/78 कर लेना, कितना आ जाएगा 512 रुपया 82 पैसा। ठीक है, 512 रुपया। तो इसको करिए, कितना आएगा, हो गया। और इसमें एक चीज़ और मिला, देखो यहाँ पर बोतल लग रहा है, समझिएगा थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर बोतल लगेगा, फिनाइल बनता है तो प्रोसेस सेकेंड में बोतल लगेगा। लिखो बच्चा, इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा, बस बता दिया मैंने। कॉस्ट ऑफ बोतल कितना 2030 रुपया। इसमें बाई प्रोडक्ट भी है, बाई प्रोडक्ट का मतलब मैंने पहले ही बताया है, जब कोई हम मेन सामान बना रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बताया था एक दिन सरसों पिराने जाते हैं तो किसके लिए, तेल के लिए, हमें खली भी प्राप्त होती है, उसको बेच करके पैसा मिल जाता है, उसका बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, क्रेडिट में बाई प्रोडक्ट, इससे लागत कम होती है तो इसीलिए क्रेडिट लिखा जाता है। कितना 240 रुपया, इसको जोड़ लेंगे आ जाएगा आपका 15458 रुपया 20 पैसा। बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस ना सी अकाउंट, ₹15218 20 पैसा। अब कॉस्ट पर बोतल निकालना है तो क्या करेंगे, 15218 रुपया 20 पैसा, 600 बोतल है, बोतल में कमी नहीं हो रही है, आपका आ जाएगा 25 रुपया
36 पैसा। एक क्वेश्चन का प्रोसेस बी आपका सॉल्व हो गया। अब आपको बनाना है प्रोसेस सी अकाउंट। इसको आप अपनी कॉपी में सबसे पहले अच्छाई का प्रयोग करते हुए लिखने का काम करेंगे। यह क्वेश्चन आपका यहीं पर होता है, आगे की ओर बढ़ने का काम करता है। आपको आना है प्रोसेस सी अकाउंट की तरफ। क्या लिखना है? जो पिछले प्रोसेस से लेकर ट्रांसफ़र करके आते हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट से कितना ट्रांसफ़र करके लाए हैं? 15,000। अब क्या करते हैं, मटेरियल खर्चा किया 1500 का, लेबर 2300 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 का, कॉस्ट ऑफ बोटल्स कुछ नहीं रहेगा यार, कॉस्ट ऑफ कार्क रहेगा बस ना, जो ढक्कन लगता है पैकिंग करने के लिए होता है वही होता है बस। क्वेश्चन में कहा है इसमें स्क्रैप हुआ है बी में, सी में। बी में बाई प्रोडक्ट हुआ था, स्क्रैप को बेचा है इन्होंने बाई सेल ऑफ स्क्रैप कितना? 5। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष बराबर कर लीजिए, 20,315 रुपया। लिखा जाएगा बाई फिनिश्ड स्टॉक, मतलब सामान बनकर तैयार हो गया, फिनिश प्रोडक्ट बोलेंगे इसे, 20,189 रुपया 50 पैसा। और एक बोतल का मालूम करना हो तो क्या करेंगे, भाग दे दीजिए 600, 33 रुपया 65 पैसा उत्तर आ रहा है। सॉरी, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखा है, कर लेंगे आपका आ जाएगा 371 रुपया 81 पैसा ना, कितना 1600 × 23 / कितना हो जाएगा 78। क्वेश्चन हो गया है, इसे आप लिख लेंगे ना।